मध्य प्रदेश के सतना में पुल बनवाने की मांग को लेकर लोगों ने नदी में उतरकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि प्रशासन ने कई बार पुल बनाने का भरोसा दिया लेकिन अब तक काम नहीं हुआ और इसी बात से नाराज लोगों ने नदी में उतरकर प्रदर्शन करते हुए अपनी समस्या दिखाई। सामने आए वीडियो में कई लोग नदी को पार करते हुए दिखाई दिए। बड़े बुजुर्ग और यहां तक कि बच्चों ने भी नदी में उतरकर प्रदर्शन किया। कमर तक बह रहे पानी में उतरे लोग जान जोखिम में डालकर काफी देर तक वहां डटे रहे। गुस्साए लोगों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी। हमारी कार्रवाई एक महीने के अंदर नहीं की जाती तो हम रोड में पहुंचेंगे और यहां तक कि जिला प्रशासन का जाके घेराव करेंगे। बताया जा रहा है कि नदी पर पुल न होने की वजह से आए दिन हादसे होते जा रही है। यही नहीं, जब नदी में उफान होता है तो लोगों को कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में करीब दो हफ्ते से घूम रहा बाघ आखिरकार पकड़ लिया गया। हालांकि बाघ को पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया था। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिसके बाद उसे पकड़ा जा सका। बाघ अपने शिकार को खाने के लिए पिंजरे में पहुंचा था जिससे वो वहीं फंस गया। बाद में वन विभाग की टीम ने बाघ को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगल में छोड़ दिया। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन रुक नहीं रहा। सड़कों पर महिलाएं उतरकर लगातार नारेबाजी कर रही हैं। तेहरान में एक बार फिर से सुरक्षा कर्मियों के प्रदर्शनकारियों से झड़प हो गई। वीडियो में कई छात्राएं हिजाब के विरोध में नारेबाजी करती दिखी। विरोध प्रदर्शन की यह तस्वीर तेहरान यूनिवर्सिटी की है जहाँ छात्र और छात्राएं हिजाब का कड़ा विरोध करते दिखे। इस दौरान मौके पर खड़े सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी बीच हाथापाई हुई। ईरान में सुरक्षा बल के जवान लोगों की सख्ती से इस्लामिक कानून के हिसाब से ड्रेस कोड का पालन कराते दिखे। सरकार की तरफ से जोर जबरदस्ती की वजह से पूरे ईरान में तनाव बढ़ चुका है। हालात ऐसे बन गए हैं कि ईरान में गृह युद्ध जैसे मंजर नजर आने लगे हैं। इस विरोध में अब तक 233 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के झांसी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने है। वहां दो गुट आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें दोनों गुट एक दूसरे पर घूंसे बरसाते हुए दिखाई दिए। सामने आए वीडियो में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। दोनों गुट काफी देर तक एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आए। भीषण लड़ाई देखकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए। बताया गया कि किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई थी लेकिन देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हालांकि जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को मिली वो मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। असम के गुवाहाटी में एक पार्क में एक हाथी की मस्ती से लोग चौंक गए। पार्क के अंदर हाथी बच्चों की तरह खेलता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया पर हाथी की मस्ती का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में हाथी बेहद मजे से खेल का आनंद लेता हुआ दिखा। पार्क के अंदर हाथी बच्चों की तरह खेलता दिखा, कभी झूले के आगे तो कभी पीछे। इस दौरान पार्क में बच्चों के खेलने के लिए जो झूले और टायर लगाए गए थे उनके साथ हाथी ने खेलना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान पार्क में कोई बच्चा नहीं दिखाई दे रहा था। हाथी की ये मस्ती की तस्वीरें गुवाहाटी के आर्मी कैंट इलाके के एक पार्क की है। थाने लोगों के मुताबिक ये हाथी खाने की तलाश में पास ही के जंगल से आया है। उत्तराखंड के बागेश्वर में ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई क्योंकि ओवरटेक करने के दौरान उनका बैलेंस बिगड़ गया था। जैसे ही इस हादसे की जानकारी पुलिस को मिली वो तुरंत मौके पर पहुंच गई जिसके बाद दोनों युवकों का शव फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल के भी परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों युवकों ने हेलमेट भी नहीं पहना था।